भोजन जो आप करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये भोजन भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। तामस भोजन वो होता है जो मांस होता है या कई दिन पहले का भोजन रख दिया गया हो, यानी कुछ खा लिया कुछ छोड़ दिया। जैसे आपने अपनी थाली के अंदर रखा कि आज कुछ खा लिया वो बच गया, जो शेष रह गया वो रख दिया, वो कल फिर खा लिया, वो तामसिक भोजन हो जाता है। और जो जीव जंतुओं को मार करके हम अपने स्वाद के लिए हत्याएं करके, जो उनके शरीर को जला करके भून करके खाते हैं, क्या आपको ये भक्ति की ओर ले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तामसिक भोजन हो जाता है। या आप किसी को, जैसे कोई गलत कार्य करके धन इकट्ठा किया, उसका भोजन ले आए हम, उसका प्रयोग किया, वो भी तामसिक भोजन ही होता है। तो ये तामसिक भोजन के द्वारा साधना वहां तक पहुंचना, परमात्मा की प्राप्ति तक, बहुत मुश्किल कार्य है। इस संसार में असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन असंभव से कम भी नहीं। आप मेरे ये शब्द सुन करके आप उदाहरण देंगे, सदन कसाई का नाम लेंगे, एक दो नाम और लेंगे इतिहास के अंदर जो ये कार्य करते थे, लेकिन जब आप इतिहास उठा करके देखोगे, उन्होंने ये भोजन ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। आप अंदर में जा करके देखिए, जब उन्होंने साधना की, जब प्राप्ति हुई, क्या तब भी वो ये भोजन करते थे या उन्होंने त्याग कर दिया था? खोज करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे काम कोई भी गलत नहीं होता, हमारा तो ये काम है। क्या आप लोगों का काम है इन जानवरों की हत्याएं करने का? क्या आपका काम है कि गर्दन उतार देने का? क्या आपका काम है जीते जीवों को आग के अंदर झोंक दिया और उनको देख देख करके मरते हुए आप हंस रहे हो? क्या आपका कल्याण हो जाएगा इससे? ये तामसिक भोजन है। फिर आता है राजसिक भोजन, जो खट्टा तीखा ज्यादा जला हुआ भोजन, तो वो राजसिक भोजन में आता है, वो मध्यम है। लेकिन जो श्रेष्ठ होता है वो सात्विक होता है, जो आप मेहनत करके ईमानदारी के साथ, वहां से शुरू होता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, एक एक पैसा कैसे इकट्ठा करते हो, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हो, और जो आपने संचय किया उसमें से भी दसवां हिस्सा निकाल करके साधुओं के लिए, गौओं के लिए, जिनको जरूरत है उन लोगों के लिए, या जीव जंतुओं के लिए, उसमें से निकाला जाता है। फिर जो शेष बचा उससे पवित्र भोजन तैयार किया जाता है, और जो तैयार करते हैं वो स्त्री रजस्व वाला न हो, पुरुष भी स्नान किया हुआ हो, एक एक चीज का ध्यान रखा हो, और जो बर्तन है वो भी सात्विक हो, और सात्विक भोजन ही तैयार किया जाए। जैसे
खीर है, जैसे लड्डू हैं, जैसे हलवा है, इस प्रकार के जो सात्विक भोजन हैं वो तैयार किए जाएं, तो फिर उसको ग्रहण किया जाए और उसको भी परमात्मा का नाम रटते हुए तैयार किया जाए। जैसे आप रोटी बना रहे हो तो उसको भी हरि का नाम रटते हुए तैयार करें, जो भी हम काम कर रहे हों हरि का नाम रटते हुए तैयार करें, वो भोजन पवित्र हो जाता है, सात्विक भोजन हो जाता है। अगर घर में कलेश मचा हुआ हो, जंग छिड़ गई हो और भोजन बनाने के लिए महिलाएं रसोई में जब घुसती हैं, कोई बर्तन इधर उठा करके उधर फेंक दिया, दूसरा उठा करके इधर फेंक दिया, बेलन उठा करके उधर पटक के मारा, बच्चों को भी गालियां दे रही हैं, बड़ों को भी झगड़ा कर रही हैं, न उन्हें ये पता कि स्नान किया है नहीं किया, उनके जब भोजन बना रही है बोलते बोलते मुख से जो टुकड़े गिरते हैं, जो वाष्प गिरते हैं जल के, वो भी उसी के अंदर मिल जाते हैं, क्या ये सात्विक भोजन हो सकता है? क्या ये भोजन करके के आपका मन शांत हो सकता है? आप स्वयं सोचिए कैसे मन शांत होगा। जो लड़ाई का कारण बना, जो लड़ते हुए वस्तु तैयार की गई, क्या वो साधना में आपके आप समझते हो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्या समझते हो आप कि आप उस परम तत्व तक पहुंच जाओगे? कहां परम तत्व, जब घर ही नहीं संभल रहा, अगर भोजन ही शुद्ध नहीं है, वायु ही शुद्ध नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखा गया, कैसे वहां तक पहुंचोगे? वो तो मार्ग ही दूर है, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक एक चीज का ध्यान रखते हुए, आपने ब्रज के अंदर संत देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, जिसने नहीं देखे वो जा करके देख सकता है। वहां के जो संत हैं वो बहुत पवित्र तरीके से रहते हैं, झोपड़ियां बना करके, प्रत्येक कार्य कि जल लाना है खुद स्वयं लेकर के आएंगे, भोजन लाना है खुद पकाएंगे, खुद तैयार करेंगे, दूसरे को अपने हाथ से देंगे, किसी वस्तु को छूने नहीं देंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो साधना में हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, वो लोग साधना में हैं और साधना कर रहे हैं। जब तक वो साधना में हैं तब तक इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एक एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ता है, क्या पता किसके हाथ से कैसा ना जाए और मन बदल जाए, क्योंकि जिस किसी के अंदर वासना भरी हुई है, अगर वो भोजन पकाएगा, कोई वासना से ही पैसे इकट्ठा करके लेके आए हैं, तो उसके जो साधक है उसके मन में भी वासना उत्पन्न हो जाएगी और उसकी स्थिति आप देखो फिर कैसे होगी, हालात क्या होंगे। तो एक एक चीज को जब साधना होती है, हर जगह के अन्न का फर्क होता है, हर जगह के अन्न का, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अन्न खाइए, कुछ जो जगह है जहाँ अन्न तो कम होगा लेकिन प्रकृति से पैदा होगा, उसको ग्रहण कीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कितना अंतर है इन सब चीज़ों का। आप सोचते हैं खाने से क्या होता, कुछ भी नहीं होता, एक प्लेट में 8-10 आदमी लग जाते हैं, अरे इससे तो प्यार बढ़ेगा, प्यार तो बढ़ जाएगा, लेकिन आजकल तो साइंस भी बोलने लगा है कि प्यार के साथ साथ रोग भी बढ़ते चले जाएंगे, ये तो वो रोग हैं जो मशीनों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आप सोचते होंगे पहले के लोग बिल्कुल बेवकूफ थे, जमीन के अंदर पत्तों के ऊपर भोजन करते थे, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, क्या उनके पास थाली नहीं थी? कहां आप क्या सोच रहे हैं, वहां उस समय पर क्या सोचते हो, धातु नहीं थी, आज आपके पास ये स्टील की थालियां हैं, उस समय के ऊपर कांसी की थालियां थी, स्वर्ण की थालियां थी, चांदी की थालियां थी,
क्या संतों के पास किसी चीज की कमी थी? नहीं थी, उनका प्रयोग कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो इनके अंदर से जो एनर्जी आ रही है, जो सार इनको प्राप्त करना है, वो इससे दूषित हो जाएगा, भोजन की पवित्रता कम हो जाएगी। आप फ्रूट को जैसे खाते हो, सेब को खाते हो, चीर देते हो, चीरने से उसका जो आपको सुविधा तो हो जाती है, छील करके उसको काट करके छांट करके बीज अलग कर दिया, ऊपर से छिलका अलग कर दिया, सारा अलग कर दिया, बहुत सुविधा हो जाएगी आपको कि उठाया और डाल लिया मुख में, हो गई सुविधा। कोई और चीर कर रख देगा, काट छील के, बहुत अच्छा महसूस करोगे। लेकिन जो प्रकृति और पेड़ों से उखाड़ करके आप तोड़ करके जो खाओगे उसका अनुभव करना, क्योंकि उसमें सब कुछ प्राकृतिक है, और उसको खा करके देखना, ग्रहण करके देखना, आपको एहसास हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना ही परमात्मा के नज़दीकता बढ़ती जाएगी, और जितना आप प्रकृति से दूर होते जाएंगे प्रकृति आपके जीवन में विघ्न पैदा करना शुरू कर देगी। तो ये तो आपको सोचना है कि आपको कौन सा भोजन करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे इस जीवन को कौन सी दिशा पर लेकर के जाना है। हमें सात्विक भोजन करना है तो सात्विक विचार पैदा होंगे, तामसिक भोजन किया तो तामसिक जीवन हो जाएगा, और राजसिक किया तो राजसिक जीवन होगा। तो आपको स्वयं फैसला करना है, निर्णय तो आपके हाथ में ही है। आपको जैसे जहां जाना है उसी मार्ग से, उसी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आप सोचो एकदम से बाई पैराशूट ऊपर उतरेंगे, अगर आप बाई पैराशूट ऊपर उतर भी गए तो वहां नहीं रुक पाओगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर वहीं से शुरू होगा, फिर वैसे ही रास्ता निकलेगा। तो आप साधना के मार्ग में एक एक चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, वही आपके मार्ग को, रास्ते को खोलता चला जाएगा।